आपने पढ़ा बेटे अभी तक वाच्य। वाच्य होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए विधान, विधान मतलब कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जो भी हम वाक्य हमारे सामने आता है उसमें क्रिया का जो भी प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर या भाव पर, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार होते हैं दो, कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य में अकृत्रिवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहला कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य में जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कृत्रिवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया जो है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण। जैसे नेहा निबंध लिखती है, नेहा कर्ता है, निबंध कर्म है और लिखना क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव बिल्कुल कर्ता पर जा रहा है। नेहा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, नेहा एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन है। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर जाता है वह कृत्रिवाच्य क्रिया कहलाते हैं। कर्मवाच्य में जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप जो होता है वो कर्म के अनुसार ही बदलता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया ही होती है इन वाक्यों में। उदाहरण, माँ के द्वारा खाना बनाया गया, तो माँ माँ के द्वारा खाना बनाया गया, इसमें क्रिया जो है वो माँ जो है स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, पर खाना जो है वो कर्म है, तो क्रिया जो है बनाया गया है, तो क्रिया जो है वो कर्म पर आधारित है। लास्ट है भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म दोनों से ना होकर जहां पर भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया हमेशा अकर्मक होती है और अधिकतर प्रयोग जो होता है वो निषेधात्मक होता है, मतलब ना वाले सेंटेंस अधिक होते हैं। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, उससे बैठा नहीं जाता। और अधिकतर प्रयोगों में जाता, अधिकतर वाक्यों में जो जा का प्रयोग होता है जो भाववाच्य। अब मैंने आपको ये तीनों एक बार फिर से समझा दिए। आज अपनी कॉपी निकालो और जो मैं लिखवा रही हूं उसे लिखो पहले। आपको अभी भेज दूंगी मैं, लिख लिया बच्चे ने नोट्स, तो मैं आपको अभी पीडीएफ बना के भेज दूंगी। सबसे पहले हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, कृत्रिवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य बनाना। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप रफ में लिख लो पेंसिल से ताकि जब आप रूपांतरण करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, पेंसिल से लिखो सब ऊपर, इधर उधर मत देखो, कॉपी में देखो सब। कैमरे बंद हैं जिन बच्चों के, उनको मैं क्लास से निकाल दूं। नहीं समझ आ रहा अभी तक ना? कैमरे बंद वालों को बाहर निकाल रही हूं मैं। नहीं समझ आ रहा तो चलूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कृत्रिवाच्य
में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी होती है, कृतृवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी होती है तो उसे सबसे पहले आप हटा दें। आप कैसे कृतृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे? सबसे पहले कर्ता के साथ जो विभक्ति लगी हुई है उसे हटा दें। सेकंड पॉइंट, पहला लिख लिया विशु सिंह, तो लिखो शकल क्या देखने लग गया। मैम एक बार रिपीट कर दो। कृतृवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो होती हो तो उसे हटा दें। कृतृवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दें। ये बेटे बोलो मत। सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर मत डालना, स्टार बनाना बस। कर्ता के बाद से, कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग करें। कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट, कृतृवाच्य की क्रिया को, कृतृवाच्य की क्रिया को, कृतृवाच्य की क्रिया को सामान्य कृतृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाएगा। कृतृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखो, ये रफ में लिख रहो, फेयर में मत लिख लेना। उस बदले हुए रूप के साथ, उस बदले हुए रूप के साथ काल, उस बदले हुए रूप के साथ काल कॉमा पुरुष कॉमा वचन और लिंग के अनुरूप, लिंग के अनुरूप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो जाना, जाना क्रिया को जोड़िए, जाना क्रिया का रूप जोड़िए, जाना फिर क्रिया का रूप जोड़िए। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, कैसे आप कृतृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, कि उसमें जो विभक्ति लगी है उसको हटा के से और के द्वारा लग जाएगा, भूतकाल के सामान्य वाक्य हो जाएंगे, और जाना क्रिया के साथ जाना लग जाएगा, मतलब जाना क्रिया का रूप जोड़िए। वाक्य रूपांतरण करेंगे, जिसको बोलूंगी वही करेगा। सबसे पहला, मीना नाच रही है, लिखो इसे कॉपी में, मीना नाच रही है। इसको आप कर्मवाच्य में बदलिए, हसनयन, हसनयन
अस्नेहन अनम्यूट करो, बताइए इसको इसको कैसे परिवर्तित करोगे बेटे? मीना के द्वारा नाचा जा रहा है। वेरी गुड, मीना के द्वारा। देखो मीना करता है, उसके साथ हमने के द्वारा लगा दिया, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्रिया में जाना जाना क्रिया का रूप जोड़ना है। तो मीना के द्वारा नाचा, नाचा क्रिया हो गई, तो नाचा के साथ आ गया जा रहा है। क्रिया का रूप जो है वो कर्म के अनुसार है। पता जो है मीना है, स्त्रीलिंग है, पर लेकिन जो क्रिया है जो वो कर्म के अनुसार हो रही है। नाच, मोहन बस से स्कूल गया। रजत, रजत अनम्यूट करो। मोहन बस से स्कूल गया। आवाज आई? आवाज तो आई नहीं थी भाई। आवाज के द्वारा बस से स्कूल जाया गया। वेरी गुड, मोहन के द्वारा बस से स्कूल जाया गया। साथ साथ रूपांतरित भी करते जाओ फटाफट। अगला उत्तर जो है वो हर्ष देगा, 10th डी। हर्ष अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। हर्ष अनम्यूट करो, सुनाई नहीं दे रहा। आप जहां पढ़ाई का नाम आ जाए वहां नेटवर्क खत्म हो जाता है। अभिषेक, अभिषेक अनम्यूट करो बेटे, इसको भी सुनाई नहीं देना। विशु करेगा, विशु अनम्यूट कर। यस मैम। बेटे एक एक आपसे पूछ रही हूँ मैं, आप उसने पुस्तक पढ़ी। किसने मैम? उसने पुस्तक पढ़ी, इसको आप उसके कर्म वाच्य में बदलो। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, लिख लो बेटा फटाफट। म्यूट कर लो बेटे विशु। अगला है, लिख लिए बेटा यहाँ तक सबने? लिख लिए सबने? ईशान 10th डी। यस मैम। ईशान, ईशान 10th डी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप जवाब दोगे अब। रमा गाना, ये तुम्हारे घर से शोर आ रहा है क्या? तुम म्यूट कर लो अपने आप। दृष्टि आप दोगे। रमा गाना गा रही है। रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। ठीक है। आप श्रेया, श्रेया अनम्यूट करो। मैंने गाना गाया। मेरे द्वारा गाना गाया गया। अब शिवम 10th सी, बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे भाग रहे हैं, भागा जा रहा है। रविंदर अनम्यूट करो बेटे। रविंदर। यस मैम। नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। अगला, यहाँ तक लिखो पहले सारे।